गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोशनी डेकाटे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द 11th क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इन द चैप्टर नंबर 4 एम्पलीफायर. सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 इन द पेज नंबर 175. इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड एमिटर बायस एंड प्रॉब्लम फर्स्ट. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. सो इफ कलेक्टर टू बेस बायसिंग is used and RC is equal to 800 ohm, VCC is equal to 9 volt, RB is equal to 600 kilo ohm, beta is equal to 90 degree. So we can find emitter current and collector to emitter voltage. So हमें given क्या दिया है? ये हमारी डायग्राम से ही यहाँ पे आर सी इज इक्वल टू 60 किलो ओम दिया हुआ है, आर सी इज इक्वल टू 800 ओम दिया हुआ है. सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है आई आई एंड बी सी ई. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो हम आई बी फाइंड आउट करेंगे. आई बी इज इक्वल टू क्या होगा? आई बी इज इक्वल टू बी सी सी अपॉन VCC upon RB plus beta RC. Okay, so यहाँ पे VCC की वैल्यू कितनी है? 9 volt plus 600 into multiply 10^3 plus 90 multiply 800. So यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा. तो इसका आंसर कितना आएगा? IB की वैल्यू कितनी आएगी? आईबी की वैल्यू है 13.39 माइक्रो एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आईबी. ओके, सो इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है आईसी, आईसी या फिर आई. सो कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट भी बोल सकते हैं इसको और एमिटर करंट भी बोल सकते हैं. सो आईसी इज इक्वल टू क्या है? बीटा इंटू आईबी. तो आईबी की वैल्यू हमें कितनी निकाली? 13.39 माइक्रो एम्पियर और बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री. सो 90 मल्टीप्लाई 13.39 माइक्रो एम्पियर. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको? 1.21 मिली एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एमिटर करंट. सो अभी हमें निकालना क्या है? अभी नेक्स्ट निकालना है हमें तो आई तो निकाल दिया, अभी क्या निकालना है हमें? एमिटर टू कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. सो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकालूंगी आपको. सो सेकेंड निकालना बी सी ई इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी सी माइनस आई सी आर सी. सो बी सी सी की वैल्यू तो 9 है और आई सी आर सी की वैल्यू है 1.21 इंटू 10^3 माइनस 3 एंड आर सी की वैल्यू हमने दी हुई है 800. तो इसका आपको कैलकुलेशन करना होगा और इसकी वैल्यू आती है 8.0324. तो बी सी इक्वल टू 8.034.
this is the value of this BC, this is the value of this IE, and this is the value of this IG. So अभी हमें इस क्वेश्चन में IE और BC की वैल्यू निकालनी थी. तो पहले हमने IB की निकाली, फिर उसके बाद IE की निकाली, या फिर इसको बोल सकते हैं एमिटर करंट. फिर हमने निकाली वोल्टेज टू कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज.